हाय गाइस, सो आई एम बैक अगेन। तो आज हम जानेंगे कि आज की वीडियो में कि ये डाइस हम कैसे बना सकते हैं। एंड इट्स वेरी इजी, कुछ नहीं करना है, कोई पेपर फोल्डिंग नहीं करनी है, बस थोड़ी सी कटिंग करनी है और थोड़े से लाइन ड्रॉ करना है, दैट्स ऑल। और बहुत आसानी से ये डाइस आपका बन जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, यहाँ मेरे पास एक आइवरी शीट है, वाइट आइवरी शीट मैंने ली है जो थोड़ी सी मोटी होती है। तो इससे अगर हम डाइस बनाएंगे तो बहुत इजीली अच्छे से बनेगा, प्लस ये थोड़ी सी हार्ड होती है तो काफ़ी इजीली हम इसको यूज़ भी कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि हमें बनाना क्या है। तो हमें एक कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाना होगा। इस तरीके का, और हमें यहाँ पर दो स्क्वायर्स बनाने हैं। सारे ध्यान रहे, सारे स्क्वायर्स बनेंगे, ये आपको अलग शेप लगेगी लेकिन हमें सारे यहाँ पे स्क्वायर्स बनाने हैं। तो डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कितना बड़ा डाइस ले चाहिए। सो यहाँ आपको कितना बड़ा डाइस चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग मेजर करके आप बना सकते हैं स्क्वायर को। तो मैं जो अपना साइज़ रख रही हूँ वो 2.5 इंचेस का रख रही हूँ, एंड ऑफ कोर्स लेंथ एंड ब्रेथ शुड बी द सेम। सो इस तरीके से हम सारे स्क्वायर्स बनाएंगे। तो मैं पहले स्क्वायर्स बनाती फिर वापस आती हूँ। सो यह हमारा स्ट्रक्चर रेडी है, अब बस हम इनको कट करना है। तो अब हमारा ये स्ट्रक्चर रेडी है, बस अब हमें क्या करना है कि इसको फोल्ड करना है जहाँ जहाँ ये लाइन बनाई है, ड्रॉ करी है उसके अकॉर्डिंग, और उसके बाद अंदर से हमें टेपिंग करनी है। तो अब यहाँ से फोल्ड करने के बाद हमें बस अंदर से टेपिंग करनी है ताकि वो अच्छे से चिपक जाए। तो बस आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है कि जो टेप है वो बहुत अच्छे से लगे और आराम से लगे। तो बस अंदर से टेप लगा के हमने इसको ऐसे सिक्योर कर लिया है, और ऐसे ही अब हम सब में टेप लगाएंगे। सो आवर डाइस इज रेडी। और अगर आपको अंदर से टेपिंग करने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप बाहर से भी टेपिंग कर सकते हैं, बाहर से भी टेप लगा सकते हैं, और उसके ऊपर एक आप ऐसा भी कर सकते हैं जो बड़ी वाली टेप होती है उससे आप पूरा ओवरऑल कवर कर सकते हैं ताकि इजीली हो जाए और बुरा भी ना लगे। सो आवर डाइस इज रेडी, देख सकते हैं आप इसको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज like, comment, share and subscribe to my channel. I'll be very grateful. Thank you so much. Bye.